इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, दोनों ही फील्ड कुछ ऐसे हैं जिनमें एडमिशन के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती है। और जब भी बात इन एग्जाम्स की तैयारी की आती है तो आप सभी स्टूडेंट्स के अंदर सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी का वक्त क्या होगा, कब से इन एग्जाम्स की तैयारी शुरू की जाए। कई बार ये भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स की तैयारी क्लास 6th, 7th या फिर 8th से ही शुरू कर देते हैं, जहां उन्हें स्कूल के बाद अपना वीकेंड कोचिंग क्लासेस में बिताना पड़ता है और जिसकी वजह से ये सारे स्टूडेंट्स अपना कीमती बचपन गवा देते हैं। दरअसल यहाँ ये कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि क्लास 6th, 7th और 8th से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बच्चों को अलग से कोचिंग क्लासेस में डालने की जगह हमें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि स्टूडेंट्स की ग्रोथ पर कोई फर्क ना पड़े और साथ ही साथ उनके सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स हैं वो उन्हें अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं या फिर नहीं। अब सवाल तो यही है कि आखिर तैयारी कब से करनी है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए सही वक्त क्या है। अक्सर कहा जाता है कि किसी भी काम को जितनी जल्दी शुरू करो उतना ही अच्छा होता है, लेकिन ये बात यहाँ फिट नहीं बैठती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए क्लास 9 एकदम परफेक्ट है। क्लास 9 के स्टूडेंट्स को अपना इंटरेस्ट और करियर पाथ को समझना क्लास 6th, 7th या फिर 8th क्लास के स्टूडेंट्स के मुकाबले आसान होता है। ये एक ऐसा समय होता है जब स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करियर पाथ को चूज कर सकते हैं, उनको इस करियर पाथ को चूज करने में आसानी होती है। साथ ही अगर स्टूडेंट को पिछली क्लासेस के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हैं तो वो आसानी से क्लास 9 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग के होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्लास 9 से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर स्टूडेंट क्लास 9 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू करते हैं तो उसके फायदे क्या होंगे। स्टूडेंट्स अपने कोर्स और तैयारी को लेकर ज्यादा फोकस्ड होते हैं। क्लास 9 से सब्जेक्ट के बेसिक्स आसानी से क्लियर हो जाते हैं, जिन्हें आप डिटेल में मेडिकल या इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में भी पढ़ते हैं। सभी सब्जेक्ट्स पर अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए क्लास 9 के स्टूडेंट्स के पास सफिशिएंट टाइम होता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट या फिर छोटी छोटी होने वाली गलतियों को सुधारने के लिए भी इनफ टाइम मिलता है। सभी पढ़े हुए टॉपिक्स को अच्छी तरह दोहराने के लिए भी काफी समय मिलता है। दरअसल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें या पूरे पूरे दिन पढ़ाई में बिता दें। बस स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छी तरह से समझें, जो सब्जेक्ट या टॉपिक मुश्किल लग रहा है उसे समझने की कोशिश करें और साथ ही साथ उन टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। क्लास 9 से जब स्टूडेंट्स अपने करियर का मार्गदर्शन तय करके उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं तो क्लास 10th के एग्जाम के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी उसकी दिशा तक ले जाने में क्लास 11th और क्लास 12th का समय एक अहम भूमिका निभाता है। मेडिकल या इंजीनियरिंग कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्लास 11th और 12th के ही पूरे सिलेबस पर डिपेंडेंट होता है, तो ये एक ऐसा समय होता है जब स्टूडेंट क्लास 11th के एग्जाम के साथ साथ अपने इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को ज्यादा अच्छी तरीके से समय दे सकते हैं। अब हम आपको क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास टिप्स भी बताने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में काफी हद तक मददगार साबित होंगे। अपनी किताबों को लेकर ज्यादा कंफ्यूज ना रहें। NCERT की किताबों को अच्छी तरह पढ़ें। रेफरेंस बुक्स किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक या दो से अधिक ना रखें, वरना आपको मुश्किल हो सकती है। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छी तरह से सॉल्व करें, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। समय समय पर पढ़े हुए टॉपिक्स को अच्छी तरह से रिवाइज करते रहें। पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल तैयार करें। आप जिस भी सब्जेक्ट में कमजोर हैं उसे ज्यादा टाइम दें और जहां भी प्रॉब्लम है उसे समझने की कोशिश करें।
सभी इम्पोर्टेंट सोर्सेज और पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाइए ताकि अगर आप कोई भी पॉइंट्स या फिर कोई भी टॉपिक भूल रहे हैं तो उसे रिवाइज करने में आसानी हो। जितना हो सके टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस पेपर्स, सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस जरूर करें। जरूरत है तो बस इतनी कि आप अपने करियर के लिए जो भी पाथ चूज करें उसमें पूरी तरह से खुद को मोटिवेटेड रखें। सफलता तक पहुंचने के लिए जितनी मेहनत और एफर्ट्स करना है उसे डिटर्मिनेशन के साथ करें। सफलता आपके कदम चूमेगी, फिर चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके करियर से जुड़ा कोई भी अहम फैसला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें और यूं ही देखते रहें jagranjosh.com।